पूरे देश की नजर इस वक्त इलेक्शन पे लगी हुई है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हम आपको बता दें कि सबके आंकड़े, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, सबके आंकड़े को बिगाड़ देने वाली बसपा और सपा दोनों के गठबंधन को पूरे देश ने नजर रखी हुई है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। हम आपको बता दें कि यूपी एमपी के बाद अब महाराष्ट्र में भी सपा बसपा गठबंधन लगभग 48 सीटों पर लड़ेगा चुनाव, क्योंकि इस वक्त सभी पार्टियां देख रही हैं कि बहन कुमारी मायावती के अलावा देश में कोई और सरकार नहीं बना रहा है। इसलिए महाराष्ट्र के लोगों ने भी, महाराष्ट्र के नेताओं ने भी ठाना है कि बसपा को ही समर्थन कर दें और गठबंधन उनसे भी करना चाहती हैं अदर पार्टियां। उत्तर प्रदेश के बाद अब महाराष्ट्र में सपा बसपा मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। सपा और कांग्रेस का समझौता न हो पाने के बाद दोनों दलों ने हाथ मिलाया है। महाराष्ट्र में सपा और बसपा गठबंधन औपचारिक ऐलान मंगलवार को मुंबई में किया जाएगा। बसपा सांसद व पार्टी के महाराष्ट्र प्रभारी अशोक सिद्धार्थ व सपा के महाराष्ट्र अध्यक्ष विधायक अबू असीम अजामी इस गठबंधन का ऐलान करेंगे। धर्म निरपेक्ष मतों का बंटवारा रोकने के लिए पहले कांग्रेस की तरफ से सपा को गठबंधन में शामिल करने की बात कही जा रही थी, लेकिन सपा बगैर कोई सीट मिले गठबंधन में शामिल होने को तैयार नहीं हुई। इसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा प्रमुख मायावती, पहले दोनों दल उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के बाद अब महाराष्ट्र में भी साथ आने का फैसला किया है। हम आपको बता दें कि बहन कुमारी मायावती का जिस तरीके से यूपी में बैकेटराइज वोट है, उस तरीके के अंदर महाराष्ट्र के अंदर भी बहुजन समाज के बहुत ज्यादा लोग हैं और वो कहीं ना कहीं अपने ही नेता को समर्थन करते हैं, क्योंकि जिसे कहा जाता है बहुजन समाज 85% मूल निवासी समाज है और वो समाज आज भी अपने समाज को जिताने के लिए पीढ़ी से चोटी तक का जोर लगा देता है। तो महाराष्ट्र के अंदर भी बनेगी अब बहन जी की सरकार। सोशल मीडिया और सूत्रों के अनुसार मुंबई और आसपास के इलाकों में सपा अपने उम्मीदवार खड़े करेगी, जबकि विदर्भ में बसपा के उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश खाकरे ने बताया कि सपा बसपा मिलकर महाराष्ट्र में 48 से भी ज्यादा सीटों पर लड़ सकती हैं चुनाव। ये थी एसएम न्यूज की रिपोर्ट। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों पर नजर बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे लाल बटन का सब्सक्राइब का बटन दबाएं ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सके आप पे सबसे पहले।